भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे, यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार चल रहा है, इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है, ये हत्यायी सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है। लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी जाएगी बीजेपी की, महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी, दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का संगठन है, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पहले से विधायक रहेंगे, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, हमारी पार्टी का रईस एक विधायक है, दो विधायक हैं हमारे, और जहां जहां संगठन है, और आज हम इरशाद जागीरदार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, ये सीटों का बंटवारा भी हुआ है, कितनी सीटें मांगी गई है आपने? पांच अनाउंसमेंट नहीं, पांच कैंडिडेट के अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि यहाँ पर यही अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम हमारी पार्टी के लोगों की ताकत तो दिखाई दे, कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है हमारी पार्टी मैदान में है, और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है, हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे, महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को, न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव ही समझ रही है। आप बार बार कह रहे हैं दिल्ली का सरकार जाएगा, क्या कुछ कारण या कुछ चल रहा है क्या दिल्ली के सरकार जाने के लिए? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली खोखे से, डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा करके, तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार, इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है, पता नहीं वो दो साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाविकास अगाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, दो विधायक हमारे हैं, और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं, कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं,
तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता, आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं, और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं। गड्ढे से बच जाओ तभी कुछ हो पाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन है, देखिए हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमारा जनाधार बढ़े और बीजेपी को हरा लें, और बीजेपी को हराने के इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है, हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है, जो लोग यहाँ आए उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया, हमने उन्हें अपमान लिया। और ये अरे रुक जाओ भाई, ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया, इसी महाराष्ट्र ने बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इर्शाद भाई है। सर ओबीसी के जनगणना के बारे में, देखिए ओबीसी के जनगणना के बारे में आपने कहा, मैंने ये कहा मोदी जी ऐसा कहते हैं कि ओबीसी की जाति ने जनगणना के साथ साथ मुस्लिम धर्मियों में भी जाति के आधार पर चर्चा क्यों नहीं करती विरोधी पक्ष की। देखिए आपके पार्टी और इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो आरक्षण है वो आरक्षण हमारा धर्म के आधार पे नहीं है, आरक्षण हमारा जाति के आधार पर है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई महाराष्ट्र उठी थी और आज नहीं लड़ाई उठी है, न जाने किस समय पे ज्योतिबा फूले या साहूजी महाराज से लेकर के तमाम महापुरुषों ने यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर के चक्कर मत पड़िए, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते। ए भाई तेरे ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर संविधान पढ़े, प्राइम मिनिस्टर संविधान का वो चीज देखें जिसमें कहा गया कि आरक्षण जाति के हिसाब से धर्म के आधार पे नहीं है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए जाति लड़ना जरूरी है। इसलिए अरे भाई तुम नहीं पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े ना, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण है। वो मैं जो बात बोले मैं जानता हूँ क्या पूछना चाहते हो, लेकिन जो संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान के तहत आरक्षण होना चाहिए। देखिए मैं हालांकि हमारे पुलिस अधिकारी भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, और जो सवाल आपने पूछा है कि हत्या हो गई, हमने तो ऐसी हत्या देखी है कि आप ही के प्रेस के बनकर के आए हत्या कर दी, भूल गए? तो ये सरकार सब जानती है, अगर सरकार की जानकारी में है तो सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। इस देश की जनता कम से कम सच्चाई तो जाने कि आखिरकार क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था। आप केवल महाराष्ट्र में एक मंत्री की हत्या हो जाए तब हो जाए हत्या, जब उसके पास किसी कैटेगरी की सिक्योरिटी है, वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, ये वाई प्लस की कैटेगरी सिक्योरिटी होने के बाद हत्या हो जाए और फिर किस पे आरोप लग रहा है? और आप तो सोचिए हमारे देश के ऊपर आरोप लग रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है,
कनाडा हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हत्या हुई है। सोचिए हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। और आज भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो पांच देश हैं उसमें सबसे ऊपर भारत है। और सुनने में आ रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों से भी हम गए बीते हो गए, हम ज्यादा भूखे हो गए। ये जो बिजली का सवाल है, हम लोग बुनकरों की मदद करेंगे। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए।